तो क्या स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैपर यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा डे 6 हो गया इस एडसेंस अप्रूवल कोर्स का। तो जैसा आप देख सकते हो आपके सामने है, फिर से हमारी सेट रिजेक्ट हो गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें एडसेंस का रिजेक्शन मिल सकता है और एक तरीके से एक आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई हमें रिजेक्शन आ रहा है, रीज़न मिल रहे हैं रिजेक्शन के, उसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपको एक तरीके से बेनिफिट रहेगा। अगर आपको ये सब रिजेक्शन के रीज़न्स आ रहे हैं तो आपको उन्हें सही करने में हेल्प रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वापस से ये डिसअप्रूव हो, क्योंकि मेरा इसमें टाइम जा रहा है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं इस पर एकदम रियल साइड की तरह वर्क करूँगा, इसलिए मैं इस पर टाइम देता हूँ, मतलब आर्टिकल वार्टिकल लिखने में। तो पहला जो रीज़न है वो है गूगल सर्व एड्स ऑन स्क्रीन विदाउट पब्लिशर कॉन्टेंट। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें कोई भी कॉपीराइट इमेजेस ये सब यूज़ नहीं करने हैं, पर फिर भी पता नहीं मैं कौन से नशे करता हूँ, मैंने इसमें गूगल से कॉपी करके इमेजेस ऐड कर दिए थे। मैं सोचा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लो हो गई दिक्कत। पहला रीज़न तो यही आ गया, क्योंकि मैंने जो हमारे ब्लॉग्स लिखे थे, अब जैसे यहाँ पर मैंने ये था व्हाट इज़ फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंस सॉरी तो जैसे ये वाली वेबसाइट थी 10 डिमांडिंग फ्रीलैंसिंग स्किल्स, तो इसमें मैंने वेबसाइट्स के लोगो डाल दिए थे गूगल से उठा उठा के, डाउनलोड इमेज करके सेव कर इसमें डाल दिए थे। फिर और भी कुछ जैसे ये बेस्ट फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स थे, इसमें से भी मैंने कर दिए थे कुछ। फिर यहाँ पर नीचे और भी ये मस्ट हैव क्रोम एक्सटेंशन थे, जो उनके जो ऑफिशियल इमेजेस थे मतलब लोगो थे, वो सब मैंने गूगल से उठा के ऐड कर दिए थे। तो अब मैंने क्या किया है, उन सबको रिमूव कर दिया है। जैसा अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे 19 पब्लिश पोस्ट है और मैं 19 रखने वाला हूँ। और अब जो आज मैं अप्लाई करूँगा, आज हो गया 11 तारीख, ठीक है 11 अक्टूबर, तो आज मैं अप्लाई करूँगा, फिर विद इन वीक्स मेरे हिसाब से वापस रिप्लाई आ जाएगा। और मैं इस बार कोई भी आर्टिकल नहीं डालने वाला, जो है ये 19 आर्टिकल पर रिप्लाई आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो नो कॉन्टेंट का तो नहीं आने वाला, क्योंकि 19 पब्लिश आर्टिकल है और सब 1200 वर्ड्स प्लस के, तो नो कॉन्टेंट का तो आएगा ही नहीं। फिर दूसरा जो रीज़न हो सकता था हमारा, ये है वैल्यूएबल इन्वेंटरी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी आप समझ लो एक तरीके से मैंने सस्ते नशे ही किए थे, क्योंकि जो हमने ब्लॉग को पब्लिश मतलब जब रिव्यू में डाला था, उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके कुछ फॉन्ट में चेंज कर दिया था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस दिन, मैंने फॉन्ट में चेंज कर लिया और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि फॉन्ट चेंज करूँगा तो सिंपल सी बात है जो हमारा HTML कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, फॉन्ट चेंज किया तो उसके कारण ये हमारा वैल्यूएबल इन्वेंट्री साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ गया, मतलब रीज़न आ गया। तो अब मैंने क्या किया, अपने जो आर्टिकल आपको वापस मैं ब्लॉग दिखाऊं तो उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए मैं वो बता देता हूं। सबसे पहला चेंज तो मैंने जो हमारी कॉपीराइट इमेजेस थे वो सब मैंने रिमूव कर दिए, खाली थंबनेल जो आपको दिख रहा है, थंबनेल मतलब जो आपका आर्टिकल का स्टार्टिंग में हर जो पोस्ट है आपको दिखाऊँ, एक आर्टिकल में ओपन करके यहाँ से, तो जैसे ही आपको जो पहले इमेज दिख रही है उसके बाद आपको कोई भी इमेज नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा वो सब मेरे खुद के क्रिएटेड मतलब मैंने खुद से बनाए हुए हैं इमेजेस हैं, और कोई दूसरा मैंने गूगल से कोई भी इमेज कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक भी इमेज आप अपने आर्टिकल में मत रखना गूगल से उठा के, बाकी ऐसे एक इमेज तो जरूरी है। तो आप सिंपल इस तरीके का एक जो आपका आर्टिकल है मतलब जो टाइटल है सेम उसी तरीके से एक इमेज बना देना, कैनवा से कहीं से भी आप बना के ला सकते हो। तो एक इमेज अपने आर्टिकल में ज़रूर रखना, बाकी आप पूरे आर्टिकल में इमेज रखो ना रखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला रीज़न तो था, उसके कारण मैंने वो सारी इमेजेस को निकाल दिया था, अब खाली एक ही इमेजेस है हर आर्टिकल में, मेन इमेजेस ही है, बाकी जो उससे रिलेटेड है वो भी सब मैंने खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसका फॉन्ट वापस से चेंज कर दिया है, अभी आज ही किया मैंने। और यहाँ पे दूसरी चेंज मैंने क्या करी आप यहाँ से देख सकते हो, पॉपुलर पोस्ट का मैंने यहाँ पे एक विजिट ऐड कर दिया, यहाँ से मैं आपको लेआउट में लेके दिखाऊं तो पहले ये नहीं था, तो मैंने अभी इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी खाली खाली लग रहा था और मुझे भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, उससे वैसे कोई दिक्कत नहीं आती एडसेंस में, वैसे भी मैंने इसको भर दिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट का विजिट मैंने ऐड किया, यहाँ से ऐड एडिट में गया मैं, और यहाँ से जो हमारा पॉपुलर पोस्ट का विजिट होता है उसको मैंने ऐड कर दिया, और सिर्फ 3 आर्टिकल मैंने शो किए, मतलब जो भी टॉप 3 चल रहे होंगे हमारे पॉपुलर पोस्ट वो यहाँ पे शो होंगे, और उसके नीचे जो लेबल्स है हमारा सिलेक्टेड लेबल्स जो हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था सेम उसी तरीके से। और मैंने अभी रिसेंटली एक जो हमारा ब्लॉगिंग एप्टर का ब्लॉग है उसके ऊपर मैंने एक कस्टमाइज का वीडियो भी डाला, आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ब्लॉगिंग एप्टर का जो ब्लॉग है मैंने कैसे कस्टमाइज़ किया पूरा आपको उसमें बता दिया जाएगा। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे अभी आप देख सकते हो रीज़न मतलब अभी हमारा साइट रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे अगर आपने इसको स्टार्टिंग से फॉलो किया इस कोर्स को डे 1 से, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताया है आप उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जैसे मैंने ये ब्लॉग बनाया आप बनाओगे आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे जो 2 कारण थे इस कारण से रिजेक्शन हुआ है, लेकिन एक कारण और है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो सिर्फ 10-15 दिन पुराना है और उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके कारण भी हमें रिजेक्शन हो सकता है। और ये एक ब्लॉगस्पॉट डोमेन है, फ्री डोमेन है, अगर आपका आप कस्टम डोमेन रहते हो तो आपके चांस में सही बताऊँ तो सब डोमेन के कंपेरिजन में जो आपके कस्टम डोमेन होते हैं उसके अप्रूवल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास आप कस्टम डोमेन में इन्वेस्ट कर सकते हो मतलब कस्टम डोमेन ले सकते हो .xyz भी चलेगा गाइस, होस्टिंगर पे 75 रुपीज़ यानी अराउंड उसमें टैक्सेस जोड़ के करीब 104 या 5 का
वो एक डोमेन पड़ता है आपको एक साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो, .xyz डोमेन भी, उस पर भी अप्रूवल मिलता है, टॉप लेवल डोमेन में वो आता है। अगर आपको जरूरी नहीं आपको .com ही डोमेन, अगर आप .com डोमेन ले सकते हो तो आप लो, नहीं ले सकते हो तो फिर आप .xyz से भी जा सकते हो। ठीक है, तो यही दो चेंजेस मैंने आज किए हैं और आज वापस से मैं अप्लाई करूँगा। और अभी 8:28 हो रहे हैं पर मैं इसको अप्लाई अभी नहीं करूँगा। मैं अब इसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं करने वाला, ना मैं कोई पोस्ट ऐड करने वाला हूँ। मैं जब अप्लाई करूँगा फिर जब वापस रिप्लाई आएगा एडसेंस का, फिर हम देखते हैं उसमें, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर हम उस पर वर्क करेंगे, अप्रूव हो रहा है तो फिर उसके अगले दिन कंक्लूजन का वीडियो आ जाएगा। मैं रात को 11:30 के बीच में अप्लाई करूँगा और वो चीज़ को मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करूँगा और उसको इस वीडियो में मैं ऐड करके आपको दिखा दूँगा। ओके, तो अभी रात के करीब 11:30 आप देख सकते हो, 11:30 बज चुके हैं यहाँ पर और मैं अभी एडसेंस के लिए अप्लाई करूँगा। और मैं वापस बता देता हूँ, हमें फिर से इसमें डिसअप्रूवल मिल सकता है, तो हम कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्रूवल मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम फिर उस पर वर्क करेंगे, जो भी रीज़न होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो हमारा day 7 होगा, वो हमें जब नेक्स्ट रिप्लाई आएगा एडसेंस की तरफ से तब आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे आई कन्फर्म चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से वापस मैं करता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे। ठीक है, तो फिर से हमारा जो डोमेन है अप्रूवल के लिए चला गया है, तो मिनिमम 1 वीक तो लग ही जाता है। अब मिलते हैं हम day 7 में।